पृथ्वी के कई द्वीप समुद्री जल स्तर से कुछ ही मीटर ऊंचे हैं। जब जब समुद्री पानी बहुत ऊपर आ जाता है तो इन द्वीपों के तटीय इलाके डूब जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही द्वीपों पर डूबने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उत्तरी सागर के एक द्वीप ने एक कारगर उपाय ढूंढ निकाला है। सर्दियों में यहाँ समुद्र आता है। तूफान जब बाढ़ लेकर आता है तो उत्तर सागर के द्वीपों पर सबसे पहले बाढ़ आती है। तट की ओर आने वाली लहरें 6-6 मीटर ऊंची होती हैं। खासकर हालिगंज जैसे छोटे द्वीप तो बढ़ते पानी से खतरे में पड़ गए हैं। मेयर मथियास पीपग्रास सालों से अपने हालिक द्वीप हूग पर मौसम में बदलाव से होने वाले असर से चिंतित हैं। हालिगन द्वीप बहुत ही गंभीर खतरे में है, क्योंकि हमें बार बार इसका गवाह बनना पड़ता है कि उत्तर सागर का पानी बढ़ने से हमें अपने रहने की जगह को ऊंचा करना पड़ता है। हर तूफानी लहर अपने साथ तटीय रेत ले जाती है। कृत्रिम बांधों की मदद से द्वीप पर रहने वाले लोग पिछले सालों में समुद्र की लहरों को पास आने से रोकने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी है। कंक्रीट के ताकतवर टुकड़े कई मीटर ऊंची लहरों का सामना नहीं कर पाए। कुछ टूट गए, कुछ डूब गए और कुछ बह गए। इतना ही नहीं, बांध के पास उनके साये में तेज लहरें पैदा हुई जो जमीन को बहा ले गई। कंक्रीट की संरचना ने तट का बचाव नहीं किया बल्कि कटाव को और तेज कर दिया। अब शोधकर्ता पर्यावरण संरक्षण के नए रास्तों की तलाश में हैं। समुद्री तट पर स्थित जीवन को कैसे बचाया जा सकता है? वैज्ञानिकों का आइडिया ये है कि इन द्वीपों पर रहने वाले लोगों को लहरों के साथ जीना सीखना होगा और समुद्र को अंदर आने देना होगा। पहली नजर में ये अजीबोगरीब अवधारणा लगती है, लेकिन अनुभव समुद्र वैज्ञानिकों को सही साबित कर रहा है। हमने बहुत लंबे समय तक टेस्ट किया, लकड़ियों की दीवारें बनाई, उसके ऊपर कंक्रीट लगाई, लेकिन समुद्र की लहरें सब कुछ बहा कर ले गईं। इसलिए हमने फैसला किया कि बहकर चले गए बालू को फिर से वापस लाएंगे, और ये सही साबित हुआ। ये नया तरीका सिल्ट द्वीप पर सालों से तट की सुरक्षा में काम आ रहा है। हर साल सर्दियों में समुद्र एकाध मीटर रेत बहा कर ले जाता है। इसकी वजह से द्वीप की महत्वपूर्ण सुरक्षा नहीं रहती। लंबी पाइपों की मदद से तट को फिर से पुरानी स्थिति में लाया जाता है। तट से कुछ दूर खड़ा जहाज समुद्र तल से रेत को खींचकर पाइप के जरिए फिर से तट पर डालता है। इस तरह करीब 10 लाख घनमीटर रेत तट पर डाली गई है। हर साल इस पर करीब 60 लाख यूरो खर्च होते हैं। इस तरह गर्मियों में वह रेत वापस लाई जाती है जिसे सर्दियों में समुद्र बहा कर ले गया था। छोटे उपजाऊ द्वीप समुद्री जलस्तर से कुछ ही मीटर ऊंचे हैं। हालिगंज से शोधकर्ता तट संरक्षण के बारे में सीख रहे हैं।